देखो भैया बाराबंकी, जब के एसपी साहब बकायदा हाथों में डंडा लिए थे, बगल में भाई साहब सीओसीडी भी थी, साथ में कई अन्य पुलिसकर्मी थे। बता दें कि भाई साहब मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेरिया गांव का, जहां पर भाई साहब कल बकायदा हाथ गोला लग गया था, मारपीट हो रही थी, दो पक्षों में भाई साहब घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में बाराबंकी जब के एसपी यमुना प्रसाद बकायदा निरीक्षण करने पहुंच गए, साथ में क्या बोले सुनिए जरा। बेरिया गांव में दो पक्षों में प्रधान चुनाव को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है संगीन धाराओं में, और इसमें अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। लगातार दबिश जारी है, 3 टीमें बनाई गई हैं और लगातार जो इसमें अन्य लोग शामिल हैं उन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। किसी को भी किसी हाल में बदमाशी करने नहीं दिया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से सभी को चुनाव संपन्न हुआ है और उसके बाद भी सभी को शांतिपूर्ण तरीके से ही रहना होगा। जो विवाद करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी क्या स्थिति है गांव में? गांव में शांति है, पोटिया शांति है और आगे भी शांति रहेगी। तो भैया एसपी साहब ने क्या कहा सुना आपने? किसी प्रकार की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल भाई साहब गांव भर में शांति का माहौल है। अब आगे लिए चलते बाराबंकी जनपद के त्रिलोकपुर में। भैया छतह पर से बकायदा गुम्मा मारे दे रहे थे, नाली का पानी छोड़ा जा रहा था। बता दें कि दो पक्षों के बीच भाई साहब जमकर मारपीट की है जमीनी विवाद को लेकर के। बता दें कि गुरुवार को भाई साहब ऐसा गुम्मा लाठी डंडा चला, पूछे मत कलेजा काम होता। सूचना मिलते ही भाई साहब मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने दोनों को शांत कराया। पूरा मामला भाई साहब मसौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल भाई साहब त्रिलोकपुर क्षेत्र और जहांगीराबाद के आदर्श रावत की रिपोर्ट। अब इसी के साथ ही भाई साहब एटा की खबर बता दें आपको, दीपक दीक्षित भेजे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ भाई साहब लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दुकानदार बकायदा दुकान खोल खोल कर बिक्री किए जा रहे हैं। मार्केट का भाई साहब दृश्य है, हमारा तो कलेजा काम था कि कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। और ऐसा भाई साहब दृश्य कोई पालन ही नहीं, ना ही प्रशासन का कोई सुन रहा है, ना ही सरकार की।